टाइम चीज़ के ठीक है कंडक्टर हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत हाई होगी। और कितनी होती है ये वैल्यू सिस्टम में आती है, 10^7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बच्चों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी ये जो ऑनलाइन क्लास है हर सवाल हम इसमें करा रहे हैं, जो भी पेपर में आए। सेमी कंडक्टर की होती है 10^-6 से लेकर 10^-4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इंसुलेटर की जाहिर सी बात है, इंसुलेटर से क्योंकि करंट फ्लो होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते ही नहीं है, इसलिए वैल्यू बहुत लो है, 10^-10 से लेके 10^-19 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यानी सवाल ही पैदा नहीं होता इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, ये इतनी लो वैल्यू है। अब एक देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कंडक्टर की अगर कंडक्टिविटी बहुत हाई है तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत लो होगी। ही होगी 10^-4 ओम मीटर। कंडक्टिविटी का यूनिट होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर। इसी तरह जब हम सेमी कंडक्टर की बात करेंगे तो इसकी जो है रेजिस्टिविटी होगी 10^-2 ओम से लेके 10^+2 ओम मीटर। ये वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, पेपर में आती हैं। और इंसुलेटर की जाहिर रेजिस्टिविटी बहुत हाई होगी, देखें 10^+8 ओम मीटर। सो थी देखें ना रेजिस्टिविटी की 10^-4 थी, ये 10^-2 से 10^+2 हो गई और ये 10^8 ओम मीटर हो गई। इंसुलेटर में मामला उल्टा था, इंसुलेटर में देखें कंडक्टिविटी जो है बहुत लो थी इंसुलेटर की 10^-10 से लेके 10^-29 तक। सेमी कंडक्टर की भी कंडक्टिविटी नॉर्मल रेंज में होगी हर चीज़, 10^-6 से 10^-4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और कंडक्टर की जाहिर कंडक्टिविटी बहुत हाई होनी है 10^7 ओम इनवर्स मीटर।